देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश, बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है। धनतेरस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे नौकरियों की बारिश, मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव करेंगे लॉन्च, 75,000 युवाओं को देंगे जॉब अपॉइंटमेंट लेटर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के एसएमएस अस्पताल में देंगे दीपावली पर बड़ा तोहफा, कार्डियोलॉजी कैथ लैब न्यूरो सर्जरी डीएसए लैब की देंगे सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर के दौरे पर, लघु उद्योग भारती के स्किल डेवलपमेंट सेंटर में कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा आज मरुधरा की धार्मिक यात्रा पर खाटू श्याम जी मंदिर और सालासर बालाजी के करेंगे दर्शन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिटी पार्क का किया उद्घाटन, सेल्फी पॉइंट पर खिंचवाई सेल्फी, वहीं सिटी पार्क को लेकर जयपुर राइड्स में दिखा खासा क्रेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम के दौरे पर रहेंगे, मोदी की प्रस्तावित यात्रा को लेकर उदयपुर में भाजपा की अहम बैठक हुई। नगर निगम ग्रेटर की पूर्व मेयर डॉक्टर सौम्या पर कार्रवाई का मामला, डॉक्टर सौम्या ने हाईकोर्ट में दी चुनौती। खान मंत्री और एआईसीसी से राजकोट लोकसभा प्रभारी प्रमोद जैन भाया और एआईसीसी से सह प्रभारी विधायक पानाचंद मेघवाल ने राजकोट में बैठक ली, बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अर्जुन भाई खाटरिया ने की। निमका थाना के हीरानगर के पास 2 साल के मासूम बच्चे की होद में डूबने से मौत, घर में मचा कोहरा। अरुणाचल में हेलीकॉप्टर क्रैश में प्रदेश के 3 लाल शहीद, उदयपुर के मेजर मुस्तफा, हनुमानगढ़ के मेजर विकास और झुंझुनू के गुड़ा गोर्जी के रोहिताज खेरवा की भी शहादत। धनतेरस के साथ दीपोत्सव का शुभारंभ, बाजारों में धनतेरस पर जमकर होगी धनवर्षा, खरीदारी के लिए उमड़े लोग। दीपावली की रोशनी के लिए जयपुर डिस्कॉम की तैयारियां पूरी, करीब 40 लाख की बिजली से रोशन होंगे जयपुर के बाजार, निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 24 घंटे का कंट्रोल रूम स्थापित। अजमेर में 2008 के सड़क निर्माण से जुड़ा मामला, कमर्शियल अदालत की टीम पहुंची सचिवालय, पीडब्ल्यूडी सचिव चिन्हहरि मीणा से की पूछताछ। जालौर के साचौर में मिलावटी पनीर की फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा टीम और प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, मौके से 2,975 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा। विभिन्न मांगों को लेकर वन विभाग राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे जा रहा है, वनकर्मियों को समकक्ष पदों जैसे पुलिस, पटवारी और ग्राम सेवक के समान वेतन देने जैसी मांगों को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। खान विभाग को एमनेस्टी योजना में जोरदार राजस्व मिला, 141 प्रकरणों में 21,85,00,000 रुपए की वसूली। उदयपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मणप्पुरम गोल्ड लोन बैंक में हुई लूट मामले का किया खुलासा। चित्तौड़गढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 45 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। जालौर की चितलवाना थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 34 कार्टून अवैध शराब जब्त, 2 आरोपियों पर मामला दर्ज। अलवर में कलयुगी पिता की काली करतूत, 9 साल की बेटी को बनाया हवस का शिकार। अजमेर के पसांगन में कुएं में गिरने से महिला की हुई मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। राजसमंद की काकरोली थाना पुलिस ने चोरी के मामले में फरार आरोपी को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। जयपुर के हरवाड़ा थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो चोरी के मामले का किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। 12 में अनाज की बोरी गिरने से घायल मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। राजधानी में दीपावली को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जयपुर विकास प्राधिकरण में हुआ लक्ष्मी पूजन, जेडी आयुक्त रवि जैन ने की महालक्ष्मी की पूजा। भिलवाड़ा में 3 युवकों पर बदमाशों ने की फायरिंग, बाइक पर सवार 2 युवक हुए घायल। राजस्थान में दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर गाइडलाइन जारी, आतिशबाजी के लिए 2 घंटे का समय। दिवाली पर कई शहरों में आज 22 अक्टूबर से लगातार 4 से 5 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक। अभिनेत्री जैकलीन की बढ़ सकती है मुश्किलें, आज पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी, ईडी जैकलीन की जमानत का करेगी विरोध। प्रायोजक है देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश, बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है।